जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमो एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस ग्रहों की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं शनि देव के बारे में। आज हम एक ऐसे ग्रह को समझने की कोशिश करेंगे जो गति में सबसे धीमे चलने वाले ग्रह है। देखने में बहुत ही खूबसूरत, मगर लोगों में उनका उतना ही खौफ है। तो देखिए, जो प्लैनेट खुद इतना स्लो चल रहा है, उसे समझने के लिए हमें भी थोड़ा स्लो चलना होगा। और उनका खौफ केवल ज्ञान से ख़त्म हो सकता है। तो एक ही वीडियो में ग्रह से करीब आना है ना, समझना है ना पूरी तरीके से शनि देव को। तो इस वीडियो को आराम से और पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शनि देव को मैं अगर एक वर्ड में कहूँ तो उनका एक वर्ड होगा कर्म। कर्म प्रधान ग्रह है शनि ग्रह। जब तक आप कर्म को नहीं समझोगे, शनि देव को नहीं समझ पाओगे। और मैं ये कहूँगा, अगर आपको कर्म वाकई में समझना है तो आप भगवद गीता का अध्ययन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवित ही इस कारण है कि उसे कर्म करना है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो देखिए, आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको ज़रूर मिलने वाला है शनिदेव द्वारा। अच्छा बुरा कम ज़्यादा जैसे भी कर्म हो, उसके फल शनिदेव ज़रूर प्रदान करने वाले हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम मनुष्य अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करके ही योगी बनते हैं। अगर मैं मेरे लिमिटेड नॉलेज से आपको कर्म बताने की कोशिश करूं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कर्म केवल एक ही नहीं हो सकते, मनुष्य के काफ़ी सारे कर्म होते हैं। ग्रह को समझना तो बहुत दूर की बात है, पहले खुद के कर्मों को समझ लीजिए। आप खुद के बारे में सोचिए, एक व्यक्ति के कितने कर्म हो सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति एट अ टाइम या तो किसी कंपनी का एम्प्लॉई होगा या तो किसी कंपनी को चलाने वाला मालिक होगा। और वही व्यक्ति किसी का पिता हो सकता है, किसी का पुत्र हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का मित्र हो सकता है। ये सभी एक टाइम पे होता है। उदाहरण ले लेते हैं, एक व्यक्ति किसी कंपनी में एम्प्लॉई है, उसका कर्म इस वक्त क्या है? उसका कर्तव्य है कि वो फुल एफिशिएंसी के साथ बिना किसी मिस्टेक्स के समय के अंदर वो काम को कंप्लीट कर दे। काम में किसी भी चीज़ को मैन्युपुलेट ना करे, बिना किसी रीज़न या फेक रीज़न के लीव्स ना ले, और कभी जेन्युइनली वर्कलोड बढ़ जाए तो उसे उतारने की जिम्मेदारी ले। ऐसे ही इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति डॉक्टर है, उसका कर्म क्या है? फिलहाल सिर्फ डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर का सबसे पहला कर्म होता है कि वो अपने सभी पर्सनल कामों को साइड में करके किसी पीड़ित या किसी मरीज की सेवा करे, उसका ट्रीटमेंट करे। और ये डॉक्टर का उत्तम कर्म क्या होगा? उत्तम कर्म वो होगा जहाँ अगर इसने देखा कि मरीज़ ज़्यादा है और मैं अकेला इन्हें हैंडल नहीं कर पा रहा, तो वो डॉक्टर अपने वर्क आवर को बढ़ाएगा, वो दूसरे डॉक्टर्स को भी अपने साथ अपॉइंट करेगा ताकि मरीजों को ट्रीटमेंट मिल सके। ये उसका कर्तव्य है। जब उस डॉक्टर को लगे कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, जेन्युइनली मैंने अपना कर्म पूरी तरीके से निभाया है, तब वो रुक सकता है। जहाँ तक उस डॉक्टर को स्कोप मिल रहा है कि नहीं वो मरीज़ की सेवा कर सकता है, वो अपने पर्सनल टाइम को थोड़ा एडजस्ट करके ज़्यादा टाइम अपने मरीजों को दे सकता है, कब तक? जब तक मरीजों की ताकत ज़्यादा है, जब तक चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है। और जब अंदर से आवाज़ आ जाए कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, तब आप मान सकते हैं कि हाँ, अब मेरे कर्म मैंने पूरे किए। कोई व्यक्ति मैकेनिक होगा तो मैकेनिक का क्या कर्म होगा? सबसे पहला कर्म उसका ये होगा कि उसे सभी पुर्जों का ज्ञान पूरी तरीके से हो, कि अगर कोई अपना काम करवाने उस मैकेनिक के पास जाए तो उसे निराश ना होना पड़े, उसे दगाबाजी ना मिले। मैकेनिक को उसको सारी चीज़ें राइट करके देनी है, ऐसा नहीं कि दो दिन बाद वापस ख़राब हो जाए, या मैकेनिक को खुद को ही नहीं पता उसने क्या बनाया है, ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा। मैकेनिक को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने इस चीज़ को हाथ लगाया है, मैंने इस चीज़ को ठीक किया है, इसको अभी कुछ नहीं हो सकता, वो उसका कर्म है। अगर आप ओनर हो, कंपनी चला रहे हो, तो आपका कर्म क्या होगा? एज अ ओनर आपको अपने बिजनेस का ख्याल रखना होगा, आपको आपके एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना होगा, आपको अपने कस्टमर्स की नीड्स सही तरीके से फुलफ़िल करनी होगी, अपने लेबर्स को सही टाइम पे तनख्वाह दे दी जाए, कस्टमर को रीजनेबली एक सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट मिल जाए, और आपके व्यापार को प्रॉफिट मिल जाए। ये एज अ व्यापारी आपका कर्म है। और ये इधर तक सीमित नहीं है, ये मैंने बताया, मैं अपने लिमिटेड नॉलेज से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ आ गई है कि अगर आप एम्प्लॉई हो तो खाली आपका ऑफिस जाके बैठ के वापस आ जाना आपका कर्म पूरा नहीं करता। अब इन सब के अलावा भी हमारे कुछ कर्तव्य है, हमें कुछ कर्म करने होते हैं। देखिए, हमारे पूर्वजों ने और महर्षि मुनियों ने एक चीज़ हमेशा कही है कि हम धरती से और नेचर से बहुत कुछ लेते हैं, तो हमारा एक कर्म उनके तरफ भी बनता है।
अगर मैं बात करूं धरती माँ की, तो देखिए हम फल सब्जी सभी चीज़ें धरती में उगा रहे हैं, हम छत धरती पे बना रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं, माँ की गोद में सो रहे हैं, वृक्ष धरती पे लगा रहे हैं, उनकी छाया में रह रहे हैं। हमारे जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है वो सभी धरती पे ही है, वो कहीं हम अंतरिक्ष में नहीं भेज रहे। तो धरती माँ को हम किस हद तक यूटिलाइज कर रहे हैं? तो जो माँ अपनी कोख हमें बिना किसी सीमा के दे रही है, तो उनके प्रति हमारा ये कर्म ज़रूर बनता है कि हम अपने हाथों से कम स्वच्छता का पालन करें, वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करें, झाड़ लगाए, धरती माँ को बचाए, उनकी उपजाऊ ताकत को बचाए। केवल बिल्डिंग बनाने से आप आगे की जनरेशन को खाना कहाँ से देंगे? तो धरती माँ का एक गुण है कि कुछ ज़मीन के टुकड़े में उपजाऊ ताकत है। अगर वहाँ खेती ना होती रहे और वहाँ अगर बिल्डिंग बन जाए, तो आने वाले जनरेशन को उपजाऊ भूमि कहाँ से मिलेगी अन्न का उत्पादन करने के लिए? तो हमारा धरती माँ को लेके ये कर्तव्य है कि हम स्वच्छता का पालन करें, सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। इसके अलावा हमने देवी देवताओं से काफ़ी कुछ लिया है, जल अग्नि वायु सभी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुका है, परंतु शास्त्र कहते हैं कि हमें उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करना हमारा कर्तव्य है। एक मनुष्य किसी से कुछ ले लेता है तो उसे भी धन्यवाद करता है। तो जब देवी देवता इतना सब कुछ दे रहे हैं, तो हमारा कुछ कर्तव्य उन्हें प्रसन्न करने का भी बनता है। अब हर एक की ज़िंदगी में गुरु ज़रूर होते हैं, वो गुरु जिन्होंने आपको ये ज्ञान दिया है कि जीवन कैसे जिया जाए। तो हमारा कुछ कर्तव्य गुरु के प्रति भी होता है कि हम उनके आज्ञा का पालन करें, हम उनकी सेवा करें और उन्हें धन्यवाद ज़रूर करें कि उन्होंने हमें कर्म करने लायक इंसान बनाया। इसके अलावा देखिए, ईश्वर की सेवा और ईश्वर का ध्यान हमारा कर्तव्य है। ईश्वर ने ये शरीर दिया है, इतने सारे ऑर्गन्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जो भी एनर्जी हमें मिल रही है वो भी उन्हीं से मिल रही है। तो इससे ज़्यादा कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। हमें संपूर्ण स्वतंत्रता मिला है कि हम अपनी ज़िंदगी को हमारे मुताबिक जी सके, हमारी जितनी भी इंद्रियाँ है उसे हम अपने मुताबिक तृप्त कर सके। तो ईश्वर कितने महान हैं ये समझना हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो मैं आशा करता हूँ आपको कुछ हद तक कर्म समझ आ गया हो। तो देखिए, आपके जैसे भी कर्म हैं, अच्छे बुरे बेकार, ये सभी कर्मों का कच्चा चिट्ठा शनिदेव के पास है। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं शनिदेव की बात करूँ तो वो किन किन चीज़ों के कारक है? वो ओल्ड एज के कारक है, वो बुढ़ापे के और बुज़ुर्ग लोगों के कारक है, वो लेबर के कारक है, वो लोअर क्लास लोगों के कारक है, वो हैंडीकैप और ब्लाइंड लोगों के कारक है। अब आप यहाँ भी सवाल कीजिए कि क्यों लोअर क्लास, लेबर, हैंडीकैप? देखिए, सवाल जेन्युइन है। इतने बड़े और इतने खूबसूरत, इतने प्यारे दिखने वाले ग्रह एक लेबर क्लास को, एक हैंडीकैप क्लास को, लोअर क्लास को क्यों रूल कर रहा है? तभी समझ आएगा ग्रह। तो अभी मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपको बुक्स में नहीं मिलने वाली। शनि देव ना बेसिक्स है, नेसेसिटी है। ये आप वीडियो को बैक कीजिएगा और फिर ये चीज़ को अप्लाई कीजिएगा। ये सभी लोग ना बेसिक्स और नेसेसिटी के लिए मरते हैं। इन्हें हर वो चीज़ नहीं मिलती जो हर आम इंसान के पास होनी चाहिए, जिसे हम मिनिमम कंफर्ट कहते हैं। तो इससे आप काफ़ी हद तक शनिदेव को समझ सकते हैं। शनिदेव बेसिक्स के कारक है, शनिदेव ज़रूरत के कारक है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि शनिदेव चाहते क्या है। शनिदेव ना हमसे मेहनत चाहते हैं, हार्डवर्क, सिंसियरिटी चाहते हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं, डेडिकेशन और फोकस चाहते हैं। शनिदेव चाहते हैं कि हम सच कहें। गवाही के कारक शनिदेव है, पिछले वीडियो में हमने ये चीज़ जानी थी। इसके अलावा शनिदेव चाहते हैं कि आप अपने ताकत अनुसार ज़रूरतमंदों की मदद करें। अब मैं एक बात बताता हूँ, आप ये सभी चीज़ों को ना ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आएगा ये सभी चीज़ ना मंगल देव की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड है। तो जिन्होंने मेरे मंगल देव वाला वीडियो देखा है उन्हें ज़रूर समझ आया होगा कि मैं क्यों कहता हूँ शनि मंगल एक दूसरे के पूरक है। शनिदेव को फुल्ली सेटिस्फाइड करना, शनिदेव को पूरा करना तभी पॉसिबल है जब फुल पोटेंशियल के साथ आप मंगल देव का एनर्जी यूज़ करो। मैं आपके आगे बहुत बड़े रहस्य खोल रहा हूँ, ये आपको ओपनली कोई नहीं बताने वाला। आपको और बेहतर समझना है तो आप क्वेश्चन कीजिए क्यों डेडिकेशन और फोकस शनिदेव चाहते हैं। देखिए, तेज़ गति से आप किसी भी चीज़ पे एकाग्र नहीं कर पाओगे। तो एकाग्र करने के लिए सबसे पहले क्वालिटी आपको क्या चाहिए? स्लोनेस, धीमा चलना होगा, रुकना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। और जब आप धीमे चलोगे, रुकोगे, तब आपका फोकस बन जाएगा। ऐसे ही आपको हर चीज़ शनिदेव की समझनी होगी। अब मैं वो बात करने वाला हूँ जो हर कोई कहता है, शनिदेव पीड़ा के कारक है, ये सभी जानते हैं। पर क्या आपको पता है शनिदेव किंग मेकर है, राजा बनाने वाला प्लैनेट शनिदेव है।
आप सवाल कर लीजिए ना, क्यों पीड़ा के कारक शनिदेव है? इसका रहस्य यही है कि शनिदेव हमारे कर्मों को रूल करते हैं। तो शनिदेव बुरे कर्म करने वालों को दुख, दर्द और पीड़ा दे जाते हैं, और अच्छे कर्म करने वालों को मेगा वेल्थ और लेजेंडरी बना जाते हैं। तो फर्क खाली इतना है कि लोगों को ना दुख दर्द याद रह जाता है, मगर शनिदेव किंग मेकर भी है। अगर आप किसी बड़े व्यक्ति को फॉलो करते हो, आपको लगता है कि ये व्यक्ति बेहतरीन ज़िंदगी जीता है और मुझे इसकी तरह लाइफ जीना है, उनसे पूछ लेना कभी मौका मिले तो। आपको वहाँ एक चीज़ समझ आएगी कि बड़ा व्यक्ति तभी बड़ा बनता है जब वो बड़े चैलेंजेस को पार करता है। तो जो जितने बड़े चैलेंज लेता है, हार नहीं मानता, फेल होने के बाद भी प्रयास करता है, उसे ऐसे फल मिलते हैं। अब यहाँ आप ये समझिए कि शनि देव जिसे भी ब्लेस करेंगे वो लोगों के लिए काम करेगा, तभी तो वो राजा है। लेजेंड आपको शनि देव बनाते हैं, और जो व्यक्ति लोगों के लिए काम करता है उसे ही लेजेंड कहा गया है, जिनके मरने के बाद भी लोग उन्हें याद करना पसंद करते हैं। और जो व्यक्ति हार्डवर्क नहीं करना चाहते वो यही कहेंगे कि शनिदेव दुख और पीड़ा के कारक है। तो देखिए, हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि शनिदेव ना स्टोर हाउस है। हम घर के स्टोर हाउस को भी शनिदेव से देखते हैं, और हम कर्मों के स्टोर हाउस को भी शनिदेव से देखेंगे। तो स्टोर हाउस में वो सारी चीज़ें होती है जो वक्त आने पर हम यूज़ करते हैं, वो घर का स्टोर हाउस हो या वो कर्मों का स्टोर हाउस हो। अगर मैं ये सभी चीज़ों को एक कर दूँ तो मैं ये कहूँगा कि शनिदेव ना पोस्टमैन है। आपने जितने भी कर्म किए हैं उसका जो भी आपको रिटर्न में मिलना है वो आपको पोस्टमास्टर देने आता है। आप इमेजिन कीजिए, आपके घर एक पोस्टमैन आया है आपका लेटर लेके, आपने लेटर में देखा चलान कट गया। अब यहाँ समझिए, चलान काटने वाला व्यक्ति पोस्टमास्टर नहीं है। हो सकता है व्यक्ति ने गाड़ी गलत जगह लगा दी, आपने ही कुछ ऐसी हरकत कर दी कि आपके डिलीवरी में चलान आया है। डिलीवरी करना पोस्टमैन का काम है। आप किसी पोस्टमैन को आपके किसी चलान के डिलीवरी के लिए गाली नहीं दे सकते। तो ये चलान आपको केवल देने का काम पोस्टमैन का है। चलान कटवाया किन्होंने है? आपने है। तो कुल मिला के हम समझ सकते हैं, शनिदेव हमारे कर्मों को रूल करते हैं, और शनिदेव चाहते हैं कि हम हमारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाए। और आप कुंडली में इस चीज़ को सिंपल तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जहाँ भी शनिदेव विराजमान है वहाँ अगर आपने कर्मों को कुछ ऊंच नीच कर दी तो आपको कपड़े की तरह धोया जाता है। और अगर आपने शनिदेव के विराजमान वाले घर के रिलेटेड अच्छे कर्म कर दिए, सारी चीज़ें अपनी निभाई, तो इतना आप समझ लीजिए कि आपको ना ज़िंदगी में उदास नहीं रहना पड़ेगा, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, और आप अपने काम और कारोबार में भी आगे बढ़ पाओगे। मैं आशा करता हूँ आप शनि ग्रह को समझ पाए हो। शनिदेव वो शिक्षक है जिन्हें कोई पसंद नहीं करता, परंतु मनुष्यों को उनकी सख्त ज़रूरत है, वरना मनुष्य भटक जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि शनि देव आपके कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं, या फिर नॉर्मल रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। देखिए, आप किसी के लिए काम कर पा रहे हैं, या आप हमेशा काम में बिजी रहते हैं, फिजिकली हो या मेंटली हो, मगर आपको पता है कि ये काम ज़रूरी है और आप उसे करते जा रहे हो, तो ये एक अच्छे शनि ग्रह की निशानी है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति आलस्य से भरा पड़ा है, वो एक जगह से उठता नहीं है, उसको ना दिल ही नहीं करता किसी काम में इन्वॉल्व होने का, वो कोई काम ही नहीं करना चाहता, उसके पास आप कोई भी काम ले जाइए वो हमेशा उस प्लान को पोस्टपोन कर देगा, उस चीज़ को डिले करने की कोशिश करेगा, तो ये एक खराब शनि ग्रह की निशानी है। शनि देव ना वो एक्स्ट्रा स्टडीज़ है, एग्ज़ाम के पहले जो एक्स्ट्रा स्टडीज़ किया जा रहा है, जीवन में हार्डवर्क किया जा रहा है, काम में ओवर टाइम किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये जो लोग लगे पड़े हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं कि ये स्ट्रगल कर रहा है, उस लेवल पे ही शनिदेव अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जो भी व्यक्ति ये सारी चीज़ें कर रहा है, शॉर्टकट नहीं लगा रहा, मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल करने के बाद अवार्ड अचीव करता है, तो ये एक अच्छे शनि की निशानी है। जो व्यक्ति बहुत ही धीरे खाता है, बहुत ही धीरे चलता है, सब काम एकदम धीरे करता है, इन लोगों के ना शनिदेव प्रोमिनेंट है, एक्टिव है, मगर इनको ना शनिदेव को अच्छा करना होगा। इसके अलावा हमने जाना शनिदेव गवाही है, अगर आप अपने बोले हुई बात से मुकरते नहीं हो तो शनिदेव अच्छे हैं, और जो व्यक्ति अपने बातों से मुकर रहा है उसके शनिदेव सही अवस्था में नहीं मिलेंगे आपको। इसके अलावा अगर व्यक्ति अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता रहता है, अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश ही नहीं करता, उसको चैलेंज दिख रहे हैं, छोटे मोटे चैलेंज भी लेने की कोशिश नहीं कर रहा, उसको मेहनत नहीं करनी, तो ये एक खराब शनि ग्रह की निशानी है। इसके अलावा जो व्यक्ति इमोशनली हमेशा दुखी नज़र आता है, उसको ना ज़िंदगी में कुछ पता ही नहीं है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको केवल दुखी रहना आता है,
तो ये भी कमज़ोर शनि की निशानी है। इसके अलावा जो व्यक्ति ना हर काम में पीछे रहते हैं, हर जगह ना अनजान है, जिसे कोई जानता नहीं, उनके भी शनिदेव काफ़ी कमज़ोर है। और देखिए, जिनके शनि ठीक ठीक है वो व्यक्ति एक बार के लिए दुखी ज़रूर होता है किसी चीज़ को लेके कि यार ये नहीं हो पा रहा, इसमें बहुत स्ट्रगल है। परंतु अगर शनि ठीक है तो वो कैसे भी करके उस काम को कंप्लीट ज़रूर करेगा। क्यों? क्योंकि उसने ठान लिया है, उसने खुद ने वो काम को लिया है अपने हाथ में। तो आप समझिए, खाली दुख को नहीं देखना, व्यक्ति उस चीज़ को कंप्लीट कर रहा है तो शनि खराब नहीं है। इसके अलावा देखिए, एक खराब शनि की निशानी आपको बताता हूँ। अगर व्यक्ति बिना मतलब किसी भी टॉपिक में कंपैरिजन करने बैठ जाए किसी भी व्यक्ति को, जिसमें उसका खुद का कोई लेना देना नहीं है, और वो ऐलान करता रहेगा नहीं ये गलत है, ये बेकार है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसका शनि खराब है। और जिनके शनि स्ट्रांग हो ना, वो दूसरों को कभी दुत्कारेंगे नहीं, वो दूसरों को नफरत वाली लाइंस नहीं बोलेंगे। और अगर आपको शनिदेव को मजबूत करना है तो आप डायरेक्टली शनिदेव की पूजा कर सकते हैं। शनि ग्रह भी है और देवता भी है। और इसके अलावा दश अवतार रूप में अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करना चाहें तो आप कुर्मा अवतार की पूजा कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज की दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमोस्टो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक सही समय से पहुँच सके। चलिए, अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।